की आंख में आंसू बांध कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। ऐसी संवेदनशीलता क्षेत्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्रीमान चेतन चौहान जी, उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, सरदार बलदेव सिंह भोलक जी, मान्य सांसदगण कुंवर सर्वेश सिंह जी, डॉक्टर नेपाल सिंह जी, श्रीमान सत्यपाल सैनी जी, चुनाव के प्रभारी डॉक्टर शिवनाथ यादव जी, सह प्रभारी श्री जसवंत सिंह सैनी जी, अनुसूचित मोर्चा आयोग के सदस्य श्रीमती मंजू दिलेर जी, एमएलसी डॉक्टर जयपाल सिंह दस्त जी, माननीय विधायक सिद्धेश गुप्ता जी, राजेश कुमार चुन्नू जी, लोकेंद्र सिंह चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय विधायक सुशांत सिंह जी, सूर्य प्रकाश पाल जी, सत्येंद्र सिसोदिया जी, महेंद्र कुमार गुप्ता जी, हरिओम शर्मा जी, परमेश्वर लाल सैनी जी, बंदान सिंह सैनी जी, मेजर जेपी सिंह जी, सुरेश सैनी जी, मनमोहन सैनी जी, राजपाल सिंह जी, रामवीर सिंह जी, ग्रेट वर्मा जी, एनपी डॉक्टर एनपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी निवर्तमान महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, नगर पालिका बिलारी से श्रीमती ज्योति सिंह जी, नगर पालिका ठाकुर द्वारा से राजपाल कश्यप जी, नगर पंचायत कार्ड से राजपाल प्रजापति जी, नगर पंचायत भगवानपुर श्रीमती रविता रानी जी, नगर पंचायत पाकवाड़ा श्रीमती खेमती जी, नगर पंचायत ढकिया श्रीमती भूरी जी, नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर हाजी मोहम्मद असलम अंसारी और नगर पंचायत उदर की श्रीमती नीलम सेनी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद पद के प्रत्याशीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दो घंटे से आप सब यहाँ पर हमारे नेताओं के जनप्रतिनिधियों के विचारों को सुन रहे हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने आप सबके सामने सरकार के संकल्प पत्र, संगठन के कार्य योजना का एक विस्तार से कार्य रूप आप सबके सामने रखा। आज अगर हम सब आपके बीच में आए हैं तो मैं केवल आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि मार्च 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और 8 महीने की सरकार में आते ही प्रदेश के अंदर
जो कार्य अपने प्रारंभ किए, जिस प्रदेश में अराजकता थी, गुंडा राज था, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, उस प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा दिए गए आदेशों का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, यह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करना प्रारंभ किया। और आते ही इसीलिए सबसे पहला कार्य हम लोगों ने किया और वह कार्य था प्रदेश के अंदर अवैध बूचड़खानों को एक सिरे से बंद करना। लोग कहते थे बूचड़खाने बंद नहीं हो सकते क्योंकि ये अवैध हैं और इसमें लिप्त तत्व बड़े माफिया प्रवृत्ति के हैं, सत्ता में इनकी बड़ी पहुंच है और पिछली सरकारों ने इन्हें पाला पोसा है, इतना मजबूत बना दिया है, ये सबको हिलाने की दुस्साहस भी रखते हैं। हम लोगों ने कहा इसीलिए तो इनको हिलाकर इनकी जड़ों को उखाड़ देना चाहते हैं जिससे प्रदेश में अवैध गतिविधियां बंद हो जाए। और इसीलिए हमारी सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की वो आप सबके सामने है। अवैध बूचड़खाने बंद हुए, अवैध खनन के कारोबार पर हम लोगों ने पूरी तरह प्रहार किया, अवैध बंद के कटान को पूरी तरीके से रोकने की कार्रवाई प्रारंभ हुई और अवैध अपराधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों पर जब शिकंजा कसना प्रारंभ हुआ तो उन्होंने प्रदेश से बाहर का रुख अपनाना भी प्रारंभ किया। और इसीलिए आज हम सब आपके लिए पिछले 15 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रदेश की 4.5 करोड़ की आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया। उसे बिजली चाहिए थी, उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति चाहिए थी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होकर के सफाई की उचित व्यवस्था चाहिए थी, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो, लेकिन सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने नगरीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अराजकता का जो तांडव किया उसका परिणाम था हमारा नगरीय क्षेत्र, नगर निकाय के क्षेत्र, नगर निकाय की इकाइयां अधिकाधिक नागरिकों के लिए नारकीय होती गई। इस नारकीय स्थिति से उभारने की एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सक्रिय सहभागिता के साथ आपके पास आना। हम चाहते हैं जनता को अच्छी सुविधाएं मिले, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति लोगों को हो, हर नगर में अच्छी सड़कें बने, आम जन को अधिकाधिक सुविधाएं हम प्रदान कर सके। सरकार पैसा देना चाहती है लेकिन उस पैसे का सही सदुपयोग इस जनमानस के हित में हो सके, नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई आपसे कहने के लिए कि पैसे और विकास की कार्य योजना को जितनी धनराशि लगेगी पैसा हम देंगे, लेकिन उस पैसे का उपयोग करने वाला भी तो वहां बोर्ड चाहिए, उस बोर्ड को बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम लोगों ने पिछले 8 महीने के दौरान कार्य किया, आज प्रदेश का किसान खुशहाल है। जिस प्रदेश में जातिवाद की राजनीति होती थी, भाइयों बहनों मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जातिवाद की राजनीति, ये बांटने की राजनीति कभी प्रदेश का हित नहीं कर पाएगी। हमें प्रदेश को, अगर प्रदेश का हित, प्रदेश की 22 करोड़ जनता का हित करना है तो हमें जातिवाद और वंशवाद की राजनीति से उभरना पड़ेगा। अपने नौजवानों के साथ और अपने किसानों के साथ होने वाले भेदभाव को एक सिरे से समाप्त करना पड़ेगा और हमारी सरकार ने यही किया। जब पहले सत्ता में जो सरकारें थी उन्होंने समाज को बांटा जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, आपराधिक सरगनाओं को राजनीतिक संरक्षण देकर के सत्ता के गलियारों में बिठाते थे, लेकिन हमारी सरकार आई, हम लोगों ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देना बंद होगा और केवल अपराधी ही नहीं
अपराधी के संरक्षण दाताओं पर भी हमारा शिकंजा कसेगा। सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने की कार्रवाई हमारी होगी और हम लोगों ने निपटना प्रारंभ किया। जिस प्रदेश में लोग निवेश करने के लिए नहीं आना चाहते थे, जिस प्रदेश में व्यापारी अपने परंपरागत उत्पाद को छोड़ के भाग रहा था, पर यहाँ पर मुरादाबाद का पीतल का उद्योग क्यों चरमरा गया? क्योंकि पिछली सरकारों ने 15 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर माहौल इतना खराब किया कि प्रदेश में कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। यहाँ पर परंपरागत उद्योग से लगे हुए व्यापारी प्रदेश से पलायन करते गए और उससे यहाँ के रोजगार पर असर पड़ा, यहाँ की प्रतिभाओं का पलायन हुआ, यहाँ का नौजवान रोजी और रोजगार के लिए देश के विभिन्न भागों में बांटने के लिए वहां मजबूर हुआ और उसका परिणाम अंततः प्रदेश के विकास पर पड़ा। आज हम सब आपके पास आए कहने के लिए, हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश की जातिवाद की राजनीति को एक सिरे से समाप्त करते हुए हम लोगों ने राजनीति का केंद्र बिंदु प्रदेश के युवाओं को बनाया है। युवाओं, हम प्रदेश के अंदर आने वाले समय में 4 लाख नौकरी लेकर के प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये 4 लाख नौकरियां आपका विचार कर रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर जाति और चेहरा देख करके कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। ये नौकरियां मेरिट के आधार पर होंगी, हमने ग्रुप थर्ड और ग्रुप फोर्थ की जितनी भी नौकरियां होंगी उनमें इंटरव्यू की प्रथा को हम लोगों ने समाप्त किया है और हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के साथ भेदभाव करने वाले और इन प्रतियोगी परीक्षाओं को धन उगाही का जरिया बनाने वाले लोगों की जगह जेल में होगी, युवाओं के साथ अन्याय करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले 5 वर्षों की कार्य पद्धति की सीबीआई से जांच कराने का आदेश भी किया है। सीबीआई की जांच होगी, बहुत लोग जेल के अंदर जाएंगे, जेल के अंदर सड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए, एक तरफ युवाओं को ले नौकरी की सुविधा और दूसरी तरफ जो नौजवान अपनी घर की परिस्थिति के कारण बहुत अधिक पढ़ लिख नहीं पाता है लेकिन वो अपने परंपरागत उद्योग के साथ जुड़ना चाहता है, रोजगार के साथ जुड़ना चाहता है, प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन नौजवानों को उन परंपरागत उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने मुरादाबाद के पीतल के उद्योग को भी एक जगह मिले। लखनऊ में हम लोगों का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट पूरा हो रहा है, उसमें मुरादाबाद को हम स्थान देने जा रहे हैं। दुनिया के सामने उजागर हो सके और दुनिया इसके पीछे जाकर के इस रोजगार को और प्रोत्साहित कर सके, इसके लिए आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए। एक अवसर है, यही सरकार है, मात्र 8 महीने हमें हुए हैं, 8 महीने में 86 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया। आपके मुरादाबाद जनपद के भी 52,000 से भी किसानों को इससे लाभान्वित किया गया। 52,000 किसान का मतलब 2.5 लाख की आबादी सीधे सीधे इससे लाभान्वित हुई। हम लोगों ने पहली बार 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। गन्ना किसानों का वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान जो हो नहीं पाता था, हमारी सरकार आई और हम लोगों ने न केवल चंदौसी में बंद पड़ी बीनस मिल को चलाने की कार्रवाई प्रारंभ की है, अभी तो जितने भी बंद पड़े उद्योग हैं एक एक करके इनको चला करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। और इसीलिए आज मैं आया हूं आपके पास आपसे कहने के लिए, सारी क्षेत्र में लोग आते हैं इसलिए अच्छी सुविधाएं उन्हें मिल सके, अच्छी सुविधाओं के लिए वह सारी क्षेत्रों में आती है लेकिन शहरी क्षेत्रों की जिंदगी अधिकाधिक नारकीय बना दी है पिछली सरकारों ने। ना बिजली है ना पानी है, पहले की सरकारें भेदभाव करती थी बिजली देने में, हम लोगों ने भेदभाव समाप्त किया। आज मुरादाबाद में भी बिजली मिल रही है और प्रदेश के 75 के 75 जिलों में बिजली एक समान रूप से देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। हमने कहा प्रदेश के अंदर कोई VIP नहीं,
प्रदेश के अंदर अगर कोई डीआईपी है तो कोई मुख्यमंत्री और कोई मंत्री कोई वीआईपी नहीं, वीआईपी कोई होगा प्रदेश की 22 करोड़ की जनता जनार्दन के रूप में वीआईपी होगी। हम इसका सम्मान देंगे। इसके साथ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो भेदभाव किया है इस भेदभाव को समाप्त करेंगे और इससे बिजली वितरण की कार्रवाई हम लोगों ने प्रारंभ की और वह तिथि हम लोगों ने चुनी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती।